फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और वो भी ITI में एडमिशन के लिए। हाँ सही सुन रहे हो, आपके लिए मुंबई रीजन में नंबर 1 अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट ITI ठाणे और कल्याण में जबरदस्त कामयाबी के बाद अब आ रहा है आपके शहर भिवंडी में। 15 अक्टूबर 2020 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जहाँ आपको स्पॉट एडमिशन और काउंसिलिंग कैंप के साथ साथ फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जाएगी। तो साथियों अपने दोस्तों के साथ इस सुविधा का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। पुरानी रंजिश के चलते आजमगढ़ में दोहरा हत्याकांड, चाकुओं से गोद कर की गई दो युवकों की हत्या, एक को किया गया गंभीर। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निजामाबाद पुलिस स्टेशन क्षेत्र के परिसर में चकिया हुसैनाबाद करके इलाका है, यहाँ पर एक खूनी वारदात हुई है। दोहरा हत्याकांड हुआ है, दो युवकों की चाकुओं से गोद करके हत्या की गई, वहीं उनका तीसरा जो साथी था वो बेहद रूप से इस हमले में गंभीर घायल बताया जा रहा है। पूरा मामला कुछ इस प्रकार से सामने आया है कि इसी परिसर के रहने वाले मोहम्मद अशमर पर मुखबिरी करने का आरोप था, जिनका ये आरोप है मोहम्मद आरिफ उर्फ मुन्ना। इन दोनों पक्षों के बीच में पुरानी अनबन है, पुरानी रंजिश भी है, और ऐसे में मुखबिरी का आरोप लगा कि मोहम्मद आरिफ उर्फ मुन्ना रेलवे के फर्जी टिकट बनाकर के बेचता है। पुलिस ने छापामारी की, मोहम्मद आरिफ मुन्ना को फर्जी टिकटों के साथ गिरफ्तार किया, वो अभी जेल में बंद है। इसी बात से और पुरानी रंजिश तो पहले से ही थी, दोनों बातों को लेकर के मोहम्मद आरिफ उर्फ मुन्ना का बेटा वासिफ, इसने अपने साथियों समेत अशमर को जान से मारने की सोशल मीडिया पर धमकियां तक दी। अशमर प्रशासन में आजमगढ़ से लखनऊ तक दौड़ता रहा, अर्जियां देता रहा, जान की सुरक्षा की भीख मांगता रहा, मगर वक्त रहते पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। ऐसे में ही 12 अक्टूबर को वासिफ और उसके साथियों ने अशमर और उसके साथियों पर हमला कर दिया, चाकुओं से गोद करके अशमर, उसका साथी काजिम, इन दोनों की हत्या कर दी। वहीं इस खूनी हमले में इन दोनों का तीसरा साथी मुशीर, जो कि बेहद गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसका आजमगढ़ में ही इलाज किया जा रहा है। दोनों पक्ष अस्पताल में भी इन दोनों के बीच में भिड़ंत हुई, जिससे पता चलता है कि पुलिस प्रशासन ने इस मामले को बेहद हल्के में लिया। अगर पुलिस विभाग पहले से ही गंभीरता से इस मामले को लेती तो शायद ये हत्याकांड या इतनी भयानक वारदात नहीं होती। बहरहाल दोहरी हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने मोहम्मद आरिफ उर्फ मुन्ना, जो अभी जेल में है, उसका जो हमलावर बेटा है वासिफ, इसके परिवार की 5 महिलाओं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, और वासिफ समेत जितने भी लोग इस हमले में शामिल थे उन सब की खोज के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है। अब देखना यह है कि पुलिस कितनी तत्परता से इनकी गिरफ्तारियां करती है। पकड़ ले रहा, उठाओ और से उठाओ यार, पकड़ लिया पकड़ लिया, स्टेचर पकड़ ले, ए बाबू के बिना और पकड़ा ले रहे हैं जिनसे, ए बाबू चलो तो उसका नाम कहा रहा बाबू, का नाम कहा रहा भैया, का नाम कहा रहा अकमल, ये अकमल की बॉडी है देखो, अशमर अशमर हटा, अरे बिल्कुल एकदम, चल आराम से रखा बेटा, तो डेड बॉडी है, डेड बॉडी रख दे काकर जा, हट जाओ तो अल्लाह, एकदम यंग माधर ऐसी दुश्मन, कहाँ से आई बच्ची, अच्छा बैठ 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 जा, मटिया रखी यार, चले जा,
जा घर जाते हम लोग जा ए बाबू हटा तो है इसमें आज एक पब्लिक के व्यक्ति से सूचना प्राप्त हुई थी कि चकिया गांव जो कि थाना निजामाबाद क्षेत्र में है उसमें मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों को जिनके नाम अशमर मुशीर और काजिम है इन्हें गोली मारी गई है इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। इस सूचना पर तत्काल मैं और अन्य अधिकारी ग्राम चकिया आए थे। यहाँ पूछताछ की गई तो और हॉस्पिटल से जानकारी की गई जहाँ जहाँ ले गए थे लोग तो ये पता चला कि उपरोक्त तीनों लोगों को चाकू के घाव हैं और इन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलों में पता कराया गया। इसमें से अभी अभी जानकारी हुई है कि दो लोगों की मृत्यु हो गई है और गांव के अंदर तहकीकात की जा रही है। गांव वालों द्वारा कुछ लोगों द्वारा ये बताया गया है कि जो एक कुछ दिनों पूर्व एक रेलवे के फर्जी टिकट बनाने में एक आरिफ मुन्ना नामक व्यक्ति जेल गया था उसके लड़के ने ये घटना अपने साथियों के साथ की है। ये जो तीन लोग घायल हैं इसमें से एक यहाँ का रहने वाला है और दो थाना गंभीरपुर और सरायमीर के रहने वाले हैं। इनका भी पुराना जो आम शोहरत है बहुत अच्छी नहीं है और धारणा भी इनके विषय में बहुत अच्छी नहीं है। इनका पीछे भी फोटो एक वायरल हुआ था जिसमें इसमें से एक व्यक्ति पिस्टल लिए हुए था और इसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। सर किस चीज को लेकर घटना हुई घटित जैसे देखिए अभी अभी बहुत सारी चीजें गांव का कोई भी व्यक्ति अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है लेकिन जिस ढंग से घटना हुई है निश्चित रूप से बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो लोग जिन्होंने मारा है और जिन जो आपस से ये घटना हुई है बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे क्योंकि चाकू के निशान गहरे हैं और जो चाकू हैं वो डीप लगे हुए हैं जिसमें दो लोगों की मृत्यु हुई है। तो अभी तहकात की जा रही है और जो कुछ बात सामने आएगी फिर बाद में बताएंगे। सर इसमें कार्रवाई में अभी तक क्या हुई? देखिए जब अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है ना FIR हुई है ना कुछ हुआ है तो जो कार्रवाई होगी वो आपको पता है। सर गोली है चाकू? नहीं चाकू नहीं है गोली नहीं है चाकू है। ये क्लियर हो गया कि चाकू के आपस में चाकू के जो घाव है वो चाकू के।